एवरीवन, कभी आपको अपने घर में ताना सुनने को मिला है कि देखो तुमने पूरी साल पढ़ाई की फिर भी तुम्हारी परसेंटेज कम रह गई। पड़ोस के शर्मा जी का बच्चा तो दिन भर घूमता था फिर भी तुमसे अच्छी परसेंटेज ले आया। बट परसेंटेज तो मेन मोटिव होता है हर बच्चे का जो एग्जाम दे रहा है, चाहे बीए का, बीकॉम का, बीएससी का, एमएससी का, कोई भी एग्जाम हो, टेंथ हो, ट्वेल्थ हो। हमारी परसेंटेज ज्यादा आए तभी हमें तारीफ भी मिलती है और हमें खुद को सेटिस्फेक्शन मिलता है कि हमने अपने एग्जाम में अच्छा किया या वी आर वर्थ इट, या हमने हमारी मेहनत वसूल हो गई। तो परसेंटेज क्यों कम या ज्यादा आती है कई बार, जबकि हम मेहनत बहुत ज्यादा करते हैं, सब कुछ पढ़ा हुआ होता है, हमारा क्वेश्चन पेपर भी अच्छा आता है, लेकिन फिर भी परसेंटेज कम। देखिए, पढ़ाई सबसे पहला फैक्टर है जो हमारी परसेंटेज को इफेक्ट करता है, लेकिन पढ़ाई के अलावा बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जो आपकी परसेंटेज को इफेक्ट करने वाले हैं और आज हम उन्हीं फैक्टर्स को डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, राइटिंग, सबसे पहली बात आपकी राइटिंग जो है ना अच्छी होनी चाहिए। देखिए, अच्छी कहने का मतलब लेजिबल होनी चाहिए, पढ़ने लायक होनी चाहिए, प्रेजेंटेबल होनी चाहिए, वरना होगा क्या। देखिए, अगर आप ये सोचते हैं कि मैं ये तो रफ में लिख रहा हूं मैम, मैं तो अभी नहीं कर रहा एग्जाम में, तो मैं बहुत अच्छी कर लूंगा। अक्सर मेरा भाई, मेरे बच्चे भी कई बार ऐसा कहते सुना है मैंने कि हम एग्जाम में अच्छी लिख लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। आप कितनी भी कोशिश कर लें, आपकी राइटिंग जो आज है उससे 10 गुना बदतर राइटिंग आपकी एग्जाम में लास्ट के एक घंटे में हो जाती है। क्यों? वहां इतना घमासान होता है, इतना युद्ध जैसा माहौल होता है, वॉर जैसा माहौल होता है कि आपको जल्दबाजी में यह ध्यान नहीं रहता कि राइटिंग हो क्या जा रही, क्या हो रहा है, क्योंकि आपको तो क्वेश्चन सारे सॉल्व करने होते हैं, वहां राइटिंग पे आप ध्यान नहीं दे सकते। राइटिंग पे तो आप शांति में अपने रूम में बैठकर जब आप पढ़ाई कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, जब ध्यान दे सकते हैं। तो राइटिंग, जब आंसर्स लिख रहे हैं आप प्रैक्टिस करें, उस समय फेयर में ही लिखिए, कोशिश करिए आप एक जैसी राइटिंग लिखें हमेशा, रफ में अलग, फेयर में अलग, ऐसा मत करिए प्लीज। क्योंकि मैंने ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स देखे हैं जिनके मार्क्स इसी वजह से कम रहे, इनफैक्ट मेरे खुद के मार्क्स भी इस वजह से एक बार कम रह चुके हैं। तो मैं राइटिंग पे बहुत स्ट्रेस देने की कोशिश करती हूँ, जब भी मैं पढ़ाती हूँ अपने स्टूडेंट्स को बोलती हूँ मैं राइटिंग सबसे पहले इंप्रूव करो, क्योंकि तुम्हारी एटलीस्ट 50% परसेंटेज इसी पे आपकी डिपेंड करती है। आपकी परसेंटेज लगभग 20-30% बढ़ जाएगी, और कभी कभी तो ऐसा होता है कि इसकी राइटिंग इतनी खराब होती है कि एग्जामिनर को समझ नहीं आता उसने लिखा क्या हुआ है, जैसे चीटे घूम जाते हैं ना कॉपी पे, ऐसा हो जाता है, बस इंक में डुबो के किसी चीटे को घुमा दिया आपकी कॉपी पे, कुछ समझ में नहीं आता एग्जामिनेशन मार्क्स किस बात के मिलेंगे आपको, क्योंकि एग्जामिनर तो आपकी राइटिंग पे ही मार्क्स देने वाला, जो लिखा उसको समझ में तो आए। तो राइटिंग सबसे पहला फैक्टर है। पेन ऐसा होना चाहिए जिससे आप आराम से लिख सकें। कई बार ऐसा होता है किसी ने हमें बहुत महंगा पेन गिफ्ट कर दिया, हम सोचते हैं इसे तो एग्जाम में यूज करूंगा मैं, नहीं ऐसा बिल्कुल मत सोचिए। जिस पेन से आप कंफर्टेबल हैं, डेली लिखते हैं, उसी ब्रांड के पेन से लिखिए, और एग्जाम में जाने से पहले कम से कम उसी ब्रांड के 3-4 पेन पहले दिन उन्हें यूज करके थोड़ा थोड़ा लिख के रखिए, क्योंकि एग्जामिनेशन हॉल में आपके पास इतना टाइम नहीं होता है, 3 घंटे ही तो हैं भाई, उनमें क्या क्या कर लोगे, क्वेश्चन पेपर भी पढ़ना है, इन्विलेटर आपकी कॉपी में साइन करने है, जो टीचर ऑन ड्यूटी टीचर है वो भी साइन करेगा, आपको क्वेश्चन पेपर समझना है, सॉल्व करना है, टेंशन लेनी है बहुत सारी, और ताकना बिल्कुल नहीं है, रिमेंबर दैट, ओके। सो टेंशन के बीच में हम पेन को ठीक नहीं कर सकते, तो पेन की टेंशन ना ले, पेन की टेंशन में रहेंगे तो आप अपना क्वेश्चन पेपर सॉल्व ढंग से नहीं कर पाएंगे, प्रेजेंटेशन खराब होगी, परसेंटेज घटेगी, तो पेन का भी ध्यान रखें। अगर भूल से आपके पास डिफेक्टिव क्वेश्चन पेपर आ गया, या फिर उसमें ऑर्डर डिफरेंट है, या फटा हुआ, या कोई भी प्रॉब्लम है क्वेश्चन पेपर में, जल्दी से अपने टीचर को रिपोर्ट करें और दूसरा क्वेश्चन पेपर ले लें, ताकि उसका असर आपके एग्जाम पे ना पड़े। जब आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तो उसके ऑर्डर पे ध्यान ना दें, जैसे कि अगर आपको जो भी क्वेश्चन सबसे पहले सबसे अच्छा आता है उसको सबसे पहले कर लें, और वो क्वेश्चन जो आपको नहीं आते उन्हें बाद में अटेम्प्ट करें, ताकि आप चिंता ना करें और कम से कम वो पोर्शन पहले हो जाए जो हमें आता। अगर कोई क्वेश्चन आपको एग्जाम में नहीं आता है तो डोंट गेट स्टक, वहां पे रुक मत जाओ, सोचने मत लगो, ऐसे ऐसे कुछ भी मत करने लगो कि यार ये क्या था ये क्या था, वहां पे आप टाइम वेस्ट मत करो, जल्दी से या तो स्पेस छोड़ दो या उस क्वेश्चन को छोड़ दो, बाद में कर लेंगे हम वो क्वेश्चन करेंगे जहां पे हमें जो हमें आता है पहले उसे कर लेंगे हम। तो सोचने मत लग जाना, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है जो हमें क्वेश्चन याद होते हैं वो हम रिकॉल कर पाते हैं, वो एंड में हमें याद आ जाते हैं तो उसके बाद हम कर लेंगे, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट बहुत ज्यादा जरूरी है। हर क्वेश्चन पेपर में देखिए कि कितने क्वेश्चंस हैं, सबसे पहले डिसाइड कर लिए कि कितने क्वेश्चंस आपको करने हैं,
या आपको आते हैं या पहले अटेम्प्ट करने हैं, और उनका टाइम डिवाइड करिए जुडिशियसली, बहुत रैशनली टाइम डिवाइड करिए, ताकि आपके सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट हो जाएं। ऐसा ना हो कि आधा क्वेश्चन पेपर रह जाए। क्वेश्चन पेपर हाथ में आते ही सबसे पहले उसके इंस्ट्रक्शंस पढ़ें कि पेन कौन सा यूज करना है, जो भी एग्जाम, क्योंकि अलग अलग एग्जाम्स में आजकल अलग अलग पेन यूज करने की सलाह दी जाती है, या क्वेश्चन कितने अटेम्प्ट करने हैं, एमसीक्यूज किस तरह करने हैं, कितने ऑप्शनल है, या 10 में से 6 क्वेश्चन करने हैं, ये सब आप पहले पढ़ लें। वरना होगा क्या, आप सारे क्वेश्चन कर देंगे और उसके मार्क्स आपको मिलने वाले भी नहीं है, और इसका असर दूसरे क्वेश्चन से पढ़ने वाला, क्योंकि वो छोटे रह जाएंगे, लेंथ उनकी कम रह सकती है, क्वालिटेटिवली कम रह सकते हैं, और उसकी असर आपका सीधा परसेंटेज पे पड़ सकता है। जब एग्जाम देने जा रहे हैं उस सुबह आप कोई भी तला भुना नाश्ता ना करें, जैसे पराठा, कचौरी, समोसा या केक, पेस्ट्री, कुछ भी हैवी ना खाएं, क्योंकि उसको डाइजेस्ट करने के लिए आपका पूरा जो ब्लड है बॉडी का वो स्टमक की तरफ भागेगा, और आपको डिजीनेस फील होगी, स्लीप आएगी या नींद आएगी, और आप एग्जाम ढंग से नहीं दे पाएंगे, और आपको और भी कोई प्रॉब्लम हो सकती है, वॉमिटिंग हो सकती है। तो उस समय लाइव फूड खाएं। लाइव फूड मतलब जागृत नाश्ता, यानी कि वो फूड जिसमें एंजाइम्स हो, न्यूट्रिएंट्स हो, और कुछ ऐसे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हो जो आपको जगे रहने में सहायता करें, और कम नाश्ता लें। वो भी ऐसा नहीं कि वो भी काजू बादाम भर के खा लिया आपने कि भाई ये तो मुझे फायदा करेगा, नो, थोड़ा क्वांटिटी लें, 6-7 छिलके उतरे बादाम खा लें, एक फ्रूट ले लें, हल्का सा पोहा, उपमा, कुछ भी ले लें, कुछ अगर रोटी खानी तो एक या आधी रोटी खा लें, एग्जाम देने के बाद आप जितना चाहें खा लें, क्योंकि आपको अन्न अक्सर नींद दिला देता है, तो खाना हैवी ना खाएं, तला भुना ना खाएं, कचौरी समोसा सब भी अवॉइड करें एग्जामिनेशन की सुबह। एग्जामिनेशन की किट आप एग्जाम से 2 दिन पहले तैयार करें, उसमें एडमिट कार्ड सबसे पहले रखें, उसके बाद पेन, पेंसिल, जिस ब्लू ब्लैक कलर जो भी आप यूज करना चाहते हैं वो पेन रखें, रबर, पेंसिल, स्केल सब कुछ रख लें, ताकि एग्जामिनेशन हॉल में आप इधर उधर ताकते ना रहें कि भाई मुझे एक्स्ट्रा पेन दे दो, या रबर दे दो, पेंसिल दे दो, स्केल दे दो। और एडमिट कार्ड तो भूल के भी मत भूलना, क्यों, क्योंकि अगर एडमिट कार्ड भूल गए या तो घर आओगे लेने का टाइम वेस्ट होगा, और अगर वो भी पास है तभी लेने आ सकते हो, या फिर आप वहां रिक्वेस्ट करोगे कि मेरा डुप्लीकेट एडमिट कार्ड या हॉल टिकट निकाल दो, तो हॉल टिकट या एडमिट कार्ड सबसे पहले रखें, क्योंकि उसके बिना आप परेशान होने वाले हैं, और इसका असर आपके एग्जाम पे सीधा सीधा पड़ने वाला, आप ध्यान नहीं लगा पाएंगे, क्वेश्चंस भूल सकते हैं, और आप कई बार, कुछ बच्चे मैंने फेंट होते हुए देखे हैं जब एडमिट कार्ड भूल जाते हैं, तो आप एडमिट कार्ड सबसे पहले रखें अपनी किट में, 2 दिन पहले टिकट तैयार करें। अगर एग्जामिनेशन की सुबह आपको रिविजन नहीं भी करना है तो भी टाइम से थोड़ा पहले उठे, जल्दी उठ जाए, पूरा अपना नहा धोकर जो भी फ्रेश होकर तैयार हो जाए, और एग्जामिनेशन के लिए जल्दी निकले, उस जगह के लिए जल्दी निकले। कभी कभी बहुत दूर भी होता है एग्जामिनेशन, तो हमें जल्दी निकलना चाहिए ताकि हम ट्रैफिक में ना फंसे और रिलैक्स होकर अपना एग्जाम दे सकें और परेशानी ना हो, क्योंकि अगेन वही 3 घंटे हैं हमारे पास जो हमारे परसेंटेज डिसाइड करेंगे। तो घर से थोड़ा जल्दी निकले। डायग्राम हमेशा पेंसिल से बनाए, कभी भी पेन यूज ना करें। एक बार मैंने अपने एग्जाम में पेन यूज कर लिया, उसको मिटाते मिटाते मुझे एटलीस्ट 15 मिनट्स लग गए, वो सारा मेरा वाइटल टाइम मेरा वेस्ट हो गया, एग्जाम मेरा पूरा खराब हो गया। तो आप ऐसी गलती कभी ना करें, हमेशा पेंसिल से डायग्राम बनाए, आपको जितने बार मिटाना आसानी से मिटेगा और आप दोबारा उसे बना सकते हैं। तो डायग्राम्स के लिए ओनली पेंसिल एंड स्केल, फ्री हैंड भी ड्रॉ ना करें, क्योंकि फ्री हैंड से प्रेसिजन नहीं आता, तो इसलिए कहा था स्केल अपनी किट में सबसे पहले रख लें एडमिट कार्ड के साथ, सारे इंस्ट्रूमेंट अपने रखें, क्योंकि यही औजार हैं जो आपके एग्जामिनेशन में आपकी मदद करेंगे और आपकी परसेंटेज को बढ़ाएंगे। एग्जामिनेशन की रात या उसके पहले दिन कभी भी किसी पार्टी या मैरिज प्रोसेशन में ना जाएं। क्यों? क्योंकि मैरिज का जो माहौल होता है वो ऐसा होता है कि अरे 15 मिनट और रुक जाओ, अरे अभी चलेंगे, या कहीं गाड़ी में हम ट्रैफिक में ही फंस गए, या कुछ और हो गया, वहां पे हमने ज्यादा खा लिया, हम उठ ही नहीं पाए, या रात को वहां से देर से आए, तो ये सारी चीजें हमारे एग्जाम पे बहुत ज्यादा इफेक्ट डालने वाली है, अगले दिन हमें प्रॉब्लम जरूर होने वाली है। तो ये सब चीजें आप अवॉइड करें। अक्सर देखा है कि अगले दिन एग्जाम है, अरे हम तो दे देंगे, ऐसा नहीं होता है। आपकी मैरिज का कुछ ऐसी बात वहां हो जाए, लड़ाई झगड़ा कुछ भी हो सकता है, आप कहीं फंस सकते हैं या कुछ और भी हो जाए, तो आपका एग्जाम पे असर नहीं पड़ना चाहिए। आप रिलैक्स होकर सोइए अपने घर में, कोई जा रहा है जाने दीजिए, और आप अपना एग्जाम दीजिए, तभी आपकी परसेंटेज अच्छी बनेगी। एग्जाम के पहले कभी किसी विवाद में ना फंसें, पेरेंट्स से झगड़ा ना करें, कोई बहस ना करें, वैसे झगड़ा तो आप क्या करेंगे, वही आपको डांटेंगे, लेकिन कभी भी उनसे बहस ना करें, किसी बहस में इन्वॉल्व ना है, क्योंकि हमारा जो माइंड का जो एक मेकअप है वो ऐसा होता है कि जब हम परेशान होते हैं हम रैशनली नहीं सोच पाते और उन चीजों को भी रिकॉल नहीं कर पाते जो हमने किया है, या वो चीजें अक्सर दिमाग में रहती हैं और वो एग्जाम पे जरूर इफेक्ट डालती है, एग्जामिनेशन हॉल में आपको परेशान करेंगी, रह रहे के वो बातें ध्यान आएंगी और आप फिर अपना एग्जाम बिगाड़ के आने वाले। इसलिए नो झगड़ा लड़ाई बिफोर योर एग्जाम्स।
कोई नई पार्टी या कोई भी प्लानिंग एग्जाम के पहले ना करें कि हम एग्जाम होने के बाद यहां जाएंगे वहां जाएंगे पार्टी करेंगे. नो, ऐसा कुछ मत करिए, क्योंकि आपका दिमाग इतना चंचल होता है, हमारे ब्रेन की ऐसी हालत हो जाती है कि हम उसी के बारे में सोचना शुरू कर देते हैं, एग्जाम्स को भूल जाते हैं. तो उस टाइम कुछ भी ऐसा ना करें जो आपके माइंड को डाइवर्ट करे या आपको अपने एग्जाम से भटकाए और आप ढंग से उसमें ध्यान ना दे पाए. अपने माता पिता से कोई भी नई चीज ना मांगे, क्योंकि अगर उन्होंने मना कर दिया, कोई भी नई चीज आपने बाइक मांगी कि एग्जाम के बाद मैं तो बाइक लूंगा कार लूंगा, कुछ भी ऐसी एक्सेसरी मांग ली है, कुछ भी मांग लिया आपने, तो अगर उन्होंने नहीं दी आपको तो आपका मन मायूस हो जाएगा और उसका असर पड़ेगा आपके एग्जाम्स में. तो कोई भी नई चीज अपने पेरेंट्स से एग्जाम के पहले ना मांगे, जो कुछ होगा बाद में देखेंगे, पहले प्रायोरिटी हमारा एग्जाम है, हम पहले एग्जाम दे दें. तो हमने देखा कि पढ़ाई के अलावा ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो हमारे एग्जाम्स को इफेक्ट करते हैं, हमारे परसेंटेज को बहुत ज्यादा घटा भी सकते हैं बढ़ा भी सकते हैं. तो होपफुली ये वीडियो आपको हेल्पफुल रही होगी और इससे आपने कुछ ऐसे फैक्टर्स आपको पता ही होंगे, लेकिन कुछ ऐसे फैक्टर्स जो आपको ना पता हो करिए, और राइटिंग और पेन पे तो विशेष ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ये ऐसी चीजें हैं जो आपके परसेंटेज को बहुत ज्यादा अच्छा कर देंगी. प्रेजेंटेशन खुला खुला लिखिए, प्रेजेंटेबल फॉर्म में लिखिए, ऐसा लिखिए जो दूसरे को समझ में आए, क्योंकि मार्क्स तो दूसरा देगा. हम मार्क्स नहीं देने वाले, हमने क्या किया वो हमारे ऊपर है, लेकिन मार्क्स मिलेंगे जो हम उसमें क्वेश्चन पेपर में सॉरी आंसर शीट में लिख के आते हैं, जो एग्जामिनर चेक करता है. तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए कि उसे क्या समझ में आएगा जब मेरा वो आंसर पढ़ेगा. तो परसेंटेज इस बात से आपको ज्यादा मिलने वाली है. थैंक यू सो मच.